मन तमस्सा कभी सुन्नत या आइंद फसाद उम्म य फ़लह अजरुम अति शहीद जो शख़्स फसाद उम्मत के दौर में अहतमाम और पाबंदी के साथ सुन्नत पर अमल करेगा अल्लाह तै उसको एक सुन्नत पर सौ शहीद का अजरता फ़रमाएंगे इस हदीस में सुन्नत पर अमल करने की तरगीब दी गई है और किसी एक हुम शरी पर अमल करने की तरगीब का माना यह नहीं होता कि दूसरे हुक्म शरी से रोका जा रहा हो एक सुन्नत को ज़िंदा करने पर सौ शहीद का अजर सौ शहीद का अजर फरमाया है सौ शहीद की कदर नहीं फरमाई अजर और क़दर में फ़र्क है बाज़ लोग इसी हदीस की बुनियाद पर एक जहन बना लेते हैं कि जब एक सुन्नत के ज़िंदा करने पर सौ शहीद का अजर मिलता है तो मैदान जंग में लड़ता हुआ आदमी शहीद वो तो एक शहीद का जर पाता है तो लिहाजा वो अफजल नहीं होगा बल्कि जो सुन्नत जिंदा कर रहा है और शहीद नहीं होता ये अफजल होगा क्यों इस पर तो सौ का जर मिल रहा है अब एक बंदा रोज़ान एक सुन्नत जिंदा करता है सौ शहीद का अजर दो करता है दो सौ का दस करता है एक हज़ार का अब देखें सौ सुन्नत जिंदा करता है दस हज़ार शहीदों का और हर रोज़ करता है तो कितना अजर मिलेंगे इसको और जो मैदान जंग में शहीद हुआ है उसको एक अजर मिलेगा इससे बंदे जेन बना लेते हैं कि नहीं ये बाहर रह कर सुन्नत पर अमल करने वाला ये बहुत अफजल है ये बात अच्छी तरह समझें एक लफ्स अजर है एक लफ्स कदर है अजर का माना है उजरत मजदूरी क़दर का माना है मरतबा मकाम और प्रोटोकॉल अल्लाह के नबी ने तरगीब दी है कि फसाद उम्मत के दौर में एक सुन्नत पर अहतमाम करने से अल्लाह सौ शहीद की मज़दूरी देते हैं एक शहीद का प्रोटोकॉल नहीं देते प्रोटोकॉल मकाम अलग चीज़ है उजरत और मज़दूरी अलग चीज़ है ये बात अच्छी तरह समझें मिसाल के तौर पर हमारे पाकिस्तान में पंजाब के वजी अल हैं अब उनकी अजर उजरत तनख काम की मजदूरी मसला पाँच लाख है मेरे ख़्याल में पाँच भी नहीं होगी शायद मैं ज़्यादा कह रहा हूँ मुझे तो बहरहाल पाँच लाख कर लें ये उनकी तनख्वाह है अब उसी सूबे पंजाब में जो फैक्ट्रियाँ हैं आप किसी एक फैक्ट्री के जी एम को ले लें तो उसकी तनख्वाह शायद दस लाख हो आप अजर देखेंगे तो वज़ी अल की कम है और एक जी एम की ज़्यादा है लेकिन प्रोटोकॉल मैं सरगोदा का हूँ हमारा वजीर लाहौर है वो लाहौर से सरगोदा आए तो बोले रूट बंद होते हैं क्यों वजीर आल आ रहे हैं रूट लगा दो अगर तनख्वाह ये दस लाख लेने वाले एक लाख बंदा भी हो ना उसकी गाड़ी भी साइड पे कर देंगे क्यों वजरियाल आ रहे हैं ये प्रोटोकॉल है ये अजर नहीं है प्रोटोकॉल है हत्या के एक फैक्ट्री जिसके अंदर जी एम दस लाख देता है उस फैक्ट्री का मालिक जिसकी शायद योमिया इनकम दस लाख हो अगर वो सौ मालिक भी खड़े होंगे ना तो उन्हें भी भी गाड़ी साइड पर करो वजीरा आ रहे हैं ये प्रोटोकॉल है ये अजर नहीं है अचर और क़दर में फ़र्क है फसाद उम्मत के दौर में एक सुन्नत के ज़िंदा करने पर सौ शहीद का अजर मिलेगा एक शहीद का प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा मैं और मिसाल देता हूँ मस्जिद में एक इमाम है उसकी तनख्वाह कितनी है दस हज़ार बीस हज़ार तनख्वाह जितनी होती है आप जानती हैं सबसे कम तनख्वाह मस्जिद के इमाम की होती है हमारा एक बहुत मशहूर लतीफ़ा है तो एक बादशाह ने कहा कि हमारा हाथी है जो इसको रुलाएगा उसको इनाम देंगे अब हाथी को कौन रुलाए लोग कोशिश करें हाथी कैसे रोएगा कहते हैं एक आदमी आया हम उसको पंजाब में कहते हैं मरासी बाज में उसको डूम कहते हैं इस शादी के मौके पे तालियाँ शालियां बजा के किस्से कहानियां सुना के पैसे कमाते हैं वो आया तो उसने हाथी के कान में को बात की तो हाथी के आंसू गिर पड़े तो बादशाह ने कहा भी इनाम तो तेरा हक़ हाँ है लेकिन ये बता तूने इसके कान में बताया क्या है उसने कहा मैंने इसके कान में अपने मस्जिद के इमाम की तनख्वाह बताई है <laughs> तो मस्जिद के इमाम की तनख्वाह सुनकर हाथी भी रो पड़ा इतनी सी तनख्वाह है खैर मैं एक बात समझाना चाहता हूँ मस्जिद के इमाम की तनख्वाह कितनी है जी दस हज़ार पंद्रह हज़ार ठीक है को शायद की बीस हज़ार भी, भी होगी उसके पीछे अगर मुल्क का वजीर आजम भी आ जाए मुल्क का सदर भी आ जाए उसके पीछे फैक्ट्री का मालिक भी आ जाए कोई जी एम भी आ जाए बड़े से बड़ा इंजीनियर डॉक्टर भी आ जाए जिसकी तनख्वाह इस मस्जिद के इमाम से सौ गुना ज़्यादा है लेकिन मसल पर इमाम खड़ा होगा ये इमाम का प्रोटोकॉल है और ये बात को भी समझ नहीं चाहिए सिर्फ़ अजर अजर पर ना लड़ा करें प्रोटोकॉल भी देखें अगर तुम्हारी तनख्वाहें कम हैं तो अल्लाह ने प्रोटोकॉल जो तुम्हें दिया है वो भी तो देखो ना अब मस्जिद के इमाम का अजर कम है अजर से मुराद दुनियावी अजर यानी मजदूरी लेकिन प्रोटोकॉल सुबह क्या कहने उसके तो रसूल अक्रम समझाया मन तमस्सक बसुन्नति इंद फसाद उम्मीति फ़लह अजरुमेत शहीद फ़लह क़द्र मेत शहीद नहीं फरमाया प्रोटोकॉल क्या है हदीस पाक में है कयामत के दिन शहीद सत्तर ऐसे आदमियों की सफारश करेगा मम वजबत मुन्नार या मां वजब अलह मन्नार जिनके लिए जहन्नम का फ़ैसला हो चुका होगा अब ये एक सुन्नत को ज़िंदा करके सौ शहीद का अजर लेने वाला ये कितनों की सिफारिश करेगा ये उसका प्रोटोकॉल है सफ़ारश ये प्रोटोकॉल है जैसे वज़ी अला की सिफारिश पर कितने हैं जी एम बन जाते हैं अपनी तनख्वाह थोड़ी है जी एम बन रहे ये प्रोटोकॉल है प्रोटोकॉल अलग चीज़ है अजर अलग चीज़ है दोनों में फ़र्क है रसूल अक्रम सला वल्ल इशाद फ़रमाते हैं क़यामत के दिन मैदान माशर में जब ये शहीद आएगा इसकी जजवी फजीरत ऐसी है कि अगर इब्राहीम खलीम भी होंगे तो फरिश्ता कहेगा कि रास्ता दो उम्मत मोहम्मदिया का शहीद आ रहा है इसका माना हरगिज़ ये नहीं है कि पैगम्बर से मकाम ज़्यादा है ये बात अच्छी तरह से नशीन फरमा लें अब ये मताना मकसूद है कि शहीद का एसास कितना है जन्नत में जाने के बाद बड़े से बड़ा आबद मतब सुन्नत वो ये अल्लाह को नहीं कहेगा मुझे दुनिया में भेजो शहीद कहेगा मुझे दुनिया में भेजो क्यों इक्राम अल्लाह उसका जो प्रोटोकॉल हुआ होगा क्योंकि अल्लाह भेजो फिर मैं जाऊँ ये प्रोटोकॉल को देख कर तो मैं ये बात समझा रहा हूँ अजर अलग चीज़ है क़दर अलग चीज़ है मैंने शुरू में बात क्या की थी दीन की समझ ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियमत है समझने की कोशिश करो इस हदीस का मतलब क्या है इसको समझने की कोशिश